नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे सोलिस ट्रैक्टर का रिव्यू। तो हमने इस ट्रैक्टर को लिए कुछ 15 दिन हुए हैं, तो आज हम वीडियो बना देते हैं कि क्या नई चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो ये ट्रैक्टर बाकी ट्रैक्टरों से थोड़ा बहुत अलग है, हम देखेंगे वीडियो में। ये है सोलिस 4215 मॉडल और ये 43 हॉर्स पावर में हमें देखने को मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर ये 45 हॉर्स पावर तक ये पावर जनरेट कर सकता है और ये 1800 आरपीएम पे वर्क करेगा। और यहाँ पे हमें 3 सिलेंडर देखने को मिल जाएंगे। बात करें बोनट की, तो यहाँ पे हमें सिंगल पीस बोनट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आपको प्रेस करना है, तो आप फिर उसको आराम से उठा सकते हो। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल है इसलिए थोड़ा ये उठ जाएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया हुआ है। ये एयर इंटेक के लिए है। बाकी यहाँ पे आपको वायरिंग में भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइटें हैं, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प है। ये ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात ये है कि रेडिएटर के आगे आपको एक जाली मिल जाएगी, जिसके कारण कोई भी कचरा वगैरह होगा तो वो डायरेक्टली रेडिएटर में नहीं जाता, पहले जाली में आ जाता है, फंसा रहता है। फिर आप उसको यहाँ से निकाल कर साफ़ कर सकते हो। और आगे की ओर यहाँ पे आपको एक बैटरी मिल जाती है जो कि वेट का भी काम करती है और वो भी अच्छे तरीके से नीचे की तरफ दी हुई है। मेसी में आपको ये बैटरी ऊपर की ओर मतलब कि वहाँ पे रखी हुई है, तो जिसके कारण हवा आने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और ये काफ़ी हेवी टाइप का बम्फर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं, अलग से आपको कोई भी बम्फर वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कुछ इक्विपमेंट वगैरह आपको लगाना है तो। ये इंजन आप देख सकते हो, ये पावर स्टीयरिंग का ऑयल टैंक है। बाकी ओवरऑल सेम ही चीज़ है। यहाँ पे सोनालिका का ITL इंजन लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एक नॉन एडजस्टेबल यहाँ पे रोड दिया हुआ है, मतलब रोड आप जो भी बोल सकते हो। ये रोड ऊपर की ओर दिया हुआ है, जिसके कारण कुछ मतलब कि आपको दिक्कत नहीं होगी, नीचे आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक जैक दिया हुआ है, यहाँ पे ड्यूल जैक नहीं है, लेकिन इनसे भी काम चल जाता है। इसको बंद करने के लिए आपको हल्के से इसको नीचे रखना है, तो ये बंद हो जाएगा। बात करें लाइट की, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर, हेडलैम्प है और यहाँ पे आपको DRL भी मिल जाता है। नाइट की फ़ोटो में आपको दिखा दूंगा कि इस तरफ से लाइट जलती है। ये चारों प्रोजेक्टर, हेडलैम्प है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रोशनी मिल जाती है। बात करें एयर इंटेक की, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर की ओर से हवा अंदर जाएगी, यहाँ से भी हवा अंदर जा सकती है, यहाँ से भी जाएगी। और आगे की ओर ये एक जाली दी गई है, यहाँ से भी हवा अंदर जाएगी और इस साइड भी जाएगी, मतलब कि इंजन ज़्यादा हीट वगैरह नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे नोट करने वाली है। और इस ट्रैक्टर में हमें 55 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है और यहाँ पर आपको 5 ईयर की आपको वारंटी मिल जाएगी, या तो फिर आप 5000 घंटे चला सकते हो। और इसकी सर्विस सबसे पहले 50 घंटे में आएगी और दूसरी सर्विस 500 घंटे में आपको मिल जाएगी। बात करें टायर की, तो यहाँ पे हमें 13/6/28 के टायर मिल जाते हैं पीछे के, और आगे में हमें 6/16 के टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें MRF के टायर दी गए हैं। तो अब बात करें लाइटिंग की, तो मैंने पहले भी बताया ये प्रोजेक्टर है, ये DRL है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हमें 3 लाइट मिल जाती है इंडिकेटर की। ये एक LED लाइट है और ये थोड़ी बहुत DRL जैसी लाइट है। तो इनका प्रकाश डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पड़ता है, तो जिसके कारण आपको मतलब कि ज़्यादा रोशनी मिलेगी। दूसरे ट्रैक्टरों में यहाँ पे ऐसी लाइट नहीं दी जाती। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टायर के ऊपर आपको वायरिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे भी आप किसी भी टाइप का वायर नहीं देख पा रहे हो क्योंकि वो इसके अंदर डाला हुआ है, जिसके कारण आपको मिट्टी वगैरह के कारण वायर ख़राब नहीं होता। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ही वायर देखने को मिल जाएंगे। बात करें क्लच की तो यहाँ पे आपको ड्यूल और सिंगल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ड्यूल ख़रीदना चाहते हो तो वो भी आप ख़रीद सकते हो। बाकी टूल बॉक्स तो यहाँ पे दिया हुआ है। चढ़ने के लिए एक हैंडल है तो ये एक अच्छी बात है। ज़्यादा ट्रैक्टर में हम डायरेक्टली यहाँ पे हाथ रखते हैं तो इनसे अच्छा ये अच्छी बात है। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो ये काफ़ी फोर व्हील टाइप का दिया हुआ है। इसकी भी फ़ोटो है। नाइट में काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट हम दिखाते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हम देख सकते हो दिन में अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ये है इंडिकेटर के लिए, चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं। ये लाइटिंग के लिए है। फोर व्हील टाइप का यहाँ पे आपको ये क्लस्टर मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग काफ़ी वैसे तो छोटा है लेकिन चलाने में बहुत मज़ा आता है। ये हैंड रेस है। यहाँ पे डीआरएल के लिए ये स्विच दी गई है। आईना मिल जाता है। और बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। एकदम फ्लैट टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है तो आप आराम से बैठ सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे सोना है तो सो भी सकते हो। यहाँ पे ब्रेक है तो ये एक ब्रेक काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस तरह से बनाई हुई है। अब बात कर लेते हैं गियर की तो यहाँ पे हमें आगे की ओर 5 गियर मिल जाते हैं और रिवर्स का गियर इस साइड दिया हुआ है, देख सकते हो। तो इसका मतलब कि मेन रीज़न क्या है कि इनके कारण आप जितनी भी स्पीड में आप ट्रैक्टर चलाना चाहते हो उसमें आप चला सकते हो, आपको स्पीड अच्छी मिल जाएगी। ये ड्राफ्ट लीवर है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इस ट्रैक्टर में हमें 2000 किलो का लिफ्ट कैपेसिटी मिल रही है तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। दूसरे ट्रैक्टर के कंपैरिजन में इसमें सबसे ज़्यादा लिफ्ट कैपेसिटी दी हुई है। ये एक्सेलरेटर काफ़ी बड़े ट्रक में होता है उस तरह से बनाया हुआ है। ये काफ़ी हेवी है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपको कुछ म्यूज़िक सिस्टम वगैरह फिट करना है या तो फिर कोई गद्दी वगैरह डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ये देख सकते हो काफ़ी हेवी पाइप यहाँ पे। बात करें सीटिंग की तो सीट भी काफ़ी कमाल की दी गई है। 120 किलो का आदमी यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। यहाँ पे ये है पीटीओ का लीवर मतलब कि गियर। 540 इसका आरपीएम है पीटीओ का। यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की तो यहाँ पे मल्टी डिस्क आउटबोर्ड ब्रेक मिल जाती है, मतलब कि आपको डबल डिस्क मिल जाएगी और वो भी तेल में डूबी हुई, मतलब कि ये ऑयल में डूबी रहती है तो इसके कारण ये गर्म वगैरह नहीं होती और ब्रेक में कभी फेलियर वगैरह नहीं आता। यहाँ पे अलग से आप लाइट वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये एक सपोर्ट दिया हुआ है वाइब्रेशन ना हो इसलिए। और लिफ्ट में आपको सबसे ज़्यादा कैपेसिटी मिल जाती है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ओवरऑल ट्रैक्टर का वेट यहाँ पे 2070 किलो है तो ये भी एक काफ़ी तगड़ी बात है। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट दी गई है और यहाँ पे एक अलग से हेलोजन लाइट मिल जाती है। ये ट्रॉली के लिए है और अलग से आप यहाँ पे मल्टी डिस्क वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, इसका भी ऑप्शन है। इसकी नोजल भी साथ में मिल जाएगी। ये गियर ट्रॉली को चलाने के लिए ये अलग से दिया हुआ है तो इसके कारण आपको यहाँ पे चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुक भी काफ़ी कमाल का है, सब लोगों को पसंद आ जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इनकी और भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लाइट में आपको चालू करके दिखाता हूँ, अगर दिखती है तो ये प्रोजेक्टर लैंप और साइड में आपको DRL भी मिल जाता है। अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देगा, यहाँ से आप बंद कर सकते हो। और एक बात रह गई थी, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है। अब इसको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे इनका आवाज़ कैसा है। वैसे तो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। और इसमें अच्छी बात यह है कि दोनों ही गियर को आपको फ्री करना पड़ता है, तभी इस ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। तो इनसे सेफ्टी बढ़ जाती है। इसमें आप देख सकते हो, ये जो टायर का टर्निंग है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि बहुत शॉर्ट है।